राम राम हर मनुष्य की इस जीवन यात्रा में उसकी चाह क्या होती है पहले स्थान पर व्यक्ति का स्वास्थ्य रखा जाता है कि जीवन जीते हुए उसे अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति हो अच्छा परिवार मिले जहाँ पर अच्छा लालन पालन और अच्छे संस्कार ग्रहण करने को व्यक्ति को मिलें उसके आगे चलें तो व्यक्ति के पास समय पर धन की प्राप्ति उसे हो जाए चाहे वो परिवार के माध्यम से हो चाहे वो अपना रोज़गार शुरू करे तो मेहनत के बल पर तरक्की करता हुआ आगे बढ़े और जीवन में अपना नाम बनाए अपने माता पिता का नाम रोशन करे ऐसी हर व्यक्ति की चाह होती है जीवन साथी के रूप में उसे एक अच्छा पार्टनर मिले जिसके साथ जीते हुए इस जीवन यात्रा को जीवन आनंद में बन जाए दोनों एक दूसरे के सुख दुख को अच्छे तरह से जीते हुए अच्छे तरह से निभाते हुए अपनी इस जीवन यात्रा का आनंद लेते हुए आगे बढ़ें बच्चे संस्कारी हो, अच्छी बातें सीख कर परिवार का अपना और समाज का भला करें और आखिर में ईश्वर की प्राप्ति के लिए ईश्वर की कृपा के लिए भजन करते हुए अपना अंतिम समय व्यक्ति बिना किसी बड़ी बीमारी के गुजार कर अपनी इस जीवन यात्रा को पूरा करके चला जाए हर किसी की यही एक साधारण सी इच्छा होती है और जो मनुष्य जीवन में ऐसी इच्छा रखना बुरा भी नहीं है तो मुख्य मुख्य तौर पर इंसान के जीवन के यही उद्देश्य हैं जिनको लेकर वो चलता है बाकी कामनाओं की तृप्ति तो कभी भी नहीं हो सकती कामनाएं जितनी मर्जी आप बढ़ाते जाएं, आज आप चाह रखेंगे कि मैं अपने परिवार पर राज करूं, कल मोहल्ले पे, फिर शहर पे, फिर राज्य पे फिर देश पे, फिर दुनिया पे, उसके बाद ब्रह्मांड में तो मानव की कामनाएं कभी समाप्त नहीं होती ये बढ़ती हैं कामनाओं की सिद्धि कर लेना कामनाओं को संभाल लेना यही मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है और इस ताकत को संभाल कर अगर हम अपने परिवार का निर्माण इस तरह से कर लें कि ऐसा परिवार हम बना लें जो अपने आप में ही बहुत सुखद हो एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव रखे एक दूसरे का मान सम्मान करे तो जीवन स्वर्ग से कम नहीं हो सकता मैं पहले भी कहता आया हूँ आज भी कह रहा हूँ परिवार से बड़ा कोई भी मित्र किसी का नहीं हो सकता तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ना अच्छा स्वास्थ्य अच्छा परिवार धन दौलत रोज़गार रिजक अच्छे संस्कारी बच्चे ये सभी चीज़ें इस समय समाज से लुप्त होती जा रही हैं ये सभी चीज़ें समाज से लुप्त क्यों होती जा रही हैं क्यों हर किसी के पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है परिवार मैं ये नहीं कह रहा कि परिवार बुरे हैं लेकिन परिवारों में एकजुटता और आपस में प्रेम का अभाव है है ना ये चीज़ आजकल समाज में देखने को मिल रही है धन की कमी हर व्यक्ति के पास आ रही है तकरीबन तकरीबन अगर किसी के पास आज धन है कल नहीं है और धन के बाद बच्चों के रोजगार का समय आता है रोजगार सही समय पर नहीं मिलता इनसिक्योरिटी बहुत है ये बहुत है कि आज चीज है कल छूट जाएगी ऐसा क्या हो गया और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है समस्याएं बड़ी विकराल होकर मनुष्य के आगे खड़ी हो जाती हैं रोजगार के संकट बन जाते हैं ऐसा भी क्यों हो रहा है और अंतिम में वही बात आ जाती है पति पत्नी में प्रेम का अभाव है और आगे बच्चे भी फिर उसी हिसाब से आचरण करते हैं विचरण करते हैं जो वो आपको देखते हैं तो इन सभी बातों के पीछे बहुत से कारण हैं उन सभी कारणों पर एक वीडियो में एक बार में चर्चा करने से अपना समय मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा जाएगा और आपको भी लगेगा कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया तो मैं सिर्फ एक विषय पे बात करूँगा बच्चे को पहली कक्षा में क ख ग सिखाया जाता है फिर धीरे 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 करके वह पूरी लाइन बनाना सीख जाता है इसी तरह से ज्योतिष को लेके चलेंगे समझेंगे सीखेंगे तो जीवन छोटी छोटी बातों को धारण करके बहुत सुखद बन सकता है बाकी विचारों की कर्मों की शुद्धि का क्रम कभी ना रुका है ना रुकेगा क्योंकि यह निरंतर करने वाला कार्य है एक दिन की शुद्धि का काम यह नहीं है तो आज हम बात करेंगे इन जो मुख्य बिंदुओं पर मैंने बात की है इसको अच्छा करने के लिए हम ऐसा क्या करें देखिए पति पत्नी जो है गृहस्थी को चलाने के लिए दो पहिए हैं अगर इनमें कुछ नियमों की समानता ना हुई ना तो ये गृहस्थी का रथ डगमगा जाएगा और जीवन में इन बातों का अभाव हो जाएगा जो चीज़ें समाज में इस समय लुप्त हो रही हैं उनमें से एक कारण ये भी है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ हमारे शास्त्रों में स्त्री को हमेशा जिज्ञासु बताया गया है ग्रस्थी के कामों को सीखती हुई अपनी ज्ञान की जो जिज्ञासाएं थी ना वो शांत नहीं कर पाई उनको वो ज्ञान दिया नहीं गया प्रोवाइड नहीं किया गया जो पुरुषों को मिला पहले के समाज में तो क्या होता था शादी के बाद हमेशा माताएं बहनें अपने पति की तरफ देखती थी कि वह उनकी उन जिज्ञासाओं को शांत करें जो ज्ञान की भूख है उनके अंदर भी उनके उनको प्रश्नों के उत्तर मिले ताकि इस संसार के गहरे नियमों को समझकर वह अपनी गृहस्थी अपने परिवार और समाज को अच्छे तरीके से चला सकें तो हमेशा अगर हम देखते आए तो हमारे शास्त्रों के अनुसार महिलाओं का जो ज्ञान है वो पुरुषों के ज्ञान के आधार पर है लेकिन आज की महिला पढ़ी लिखी है समझदार है इंडिपेंडेंट है हर चीज़ को अच्छे से सोचती हैं समझती हैं और चलाने की शक्ति रखती हैं बिल्कुल ठीक है तो ये समाज के परिवर्तन है जो होने उचित भी थे महिलाओं को भी उनके बराबर के अधिकार मिलने चाहिए ये सब मिले लेकिन मैंने कहा ना गृहस्थी को चलाने के लिए अनुपात बराबर होना चाहिए यहाँ पर भूल क्या हुई कि पुरुष पहले कुछ पथ भ्रष्ट हुए उन्होंने कई नियमों को तोड़कर भंग कर कर अपनी गृहस्थी को खराब किया जिसके कारण जो उनकी जीवन संगनियाँ थी उन्हें सही समय पर जो सही ज्ञान उनके द्वारा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला क्योंकि जब पुरुष समाज आप ही अज्ञानी हो जाएगा तो अपने परिवार को या अपने जीवन साथी को क्या अच्छा ज्ञान दे पाएगा कुछ नहीं तो यहाँ पर समाज की संरचना बिगड़ गई और जब समाज की संरचना बिगड़ गई तो आज के जो दृश्य आपको दिखाई देते हैं समाज में वह होने स्वाभाविक थे तो यहाँ पर पढ़ी लिखी नारी और पढ़ा लिखा पुरुष ज्ञान पर सबका सामान्य अधिकार है लेकिन एक चीज़ को हमने समझना है माताओं और बहनों का वो जमाना दूर की बात है जब वो अपने पति से ज्ञान लेती थी और आके चलती थी आज ऐसा नहीं है परिस्थितियाँ बदल गई हैं लेकिन कुछ एक नियम माताओं और बहनों को नहीं छोड़ने चाहिए और पुरुषों को भी नहीं छोड़ने चाहिए सबसे पहली बात पर स्त्री गमन कोई भी पुरुष ना करे जितना करैक्टर का व्यक्ति पक्का होगा उसका उसके परिवार का और समाज का निर्माण उतना ही मजबूत होगा और जो महिला अपने पति का सम्मान करेंगी इसमें एक शर्त है कि पति थोड़ा ज्ञानवान ज़रूर हो समझदार हो इसके लिए पुरुषों को भी अपने आप को कुछ ना कुछ तो अपडेट करना पड़ेगा ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा उसके बाद जो महिला अपने पति का मान सम्मान नहीं करती कहने का मतलब है एक बुजुर्ग से मैंने कहावत सुनी थी हुआ क्या किसी की बेटी की शादी हुई एक गांव में और जो शादी करके बेटी गांव में आई वह अपने ससुराल वालों से और पति से इज्जत के भाव से बात नहीं करती थी तो कई शब्द ऐसे प्रयोग कर देती थी जिसके द्वारा पता चलता था कि इसको सही संस्कार नहीं मिले क्योंकि ये उन चीज़ों को सही तरह से निभा नहीं पा रही तो बुजुर्ग एक बात कहते थे जिस घर में पुरुष की इज्जत नहीं होती उस घर की जो महिलाएं होती है ना इस तरह से होती हैं वो आगे जाकर भी अपने जीवन साथी की इज्जत नहीं करती देखिए पुरुष को महिला की इज्जत करना जरूरी है और महिला को पुरुष की दोनों समभाव से एक दूसरे का मान सम्मान रखते हुए अगर कुछ फैसले लेके समाज में आगे चलेंगे और अपने बच्चों के सामने कुछ उदाहरण पेश करेंगे तो ही एक अच्छी ज़िंदगी का निर्माण कर पाएंगे यहाँ पर ज्योतिषी बदलेंगे उपाय बदलेंगे हालात नहीं बदलेंगे अगर आप खुद को नहीं बदलेंगे तो सबसे पहले अपने आप पर काम करना है और यहाँ पर एक के बदलने से बात नहीं बनेगी यहाँ हम अकेली महिला को बोलें कि आप अपने पति का सम्मान करो उसकी बात मानो पति को भी ऐसा आचरण करना पड़ेगा कि वह सम्मान का हकदार हो ये नहीं शराब पी के आए गलत कार्य करे और महिला से सम्मान की उम्मीद रखे बिल्कुल नहीं तो आपको भी आदर्श बनना पड़ेगा और आपकी जीवन संगनी को भी आदर्श बनना पड़ेगा ठीक है ना तो ही आप ये सुख ले पाओगे अच्छे शरीर के धन दौलत के और परिवार के रिजक यानी कि कारोबार के बच्चों के और एक दूसरे के प्रति प्रेम के नहीं तो ये चीज़ें सिर्फ ख्वाबों में रहेंगी और आप कहेंगे कि ज्योतिषीय उपायों के कि तो कोई लाभ ही नहीं होते है ना सिर्फ ज्योतिषी बदलेंगे और आपको लगेगा कि आपको सारी दुनिया मूर्ख बना रही है तो हमें बदलाव अपने स्तर पर भी करने हैं इसके लिए अनुशासन है अनुशासन एक के लिए नहीं है दोनों के लिए है अगर एक जोड़ा यानी कि एक पति पत्नी का जोड़ा अच्छा आचरण करने लग पड़ता है ना तो समझ जाइए कि समाज की जो धारा का प्रवाह है वो आने वाले समय में कितना बढ़िया होने वाला है तो बस पति को आदर्श बनना है और पत्नी को अपने पति का सम्मान करना है और ऐसे हालात बने कि आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करें आपके पति देव और आप उस ज्ञान के द्वारा अपने परिवार को चला सकें यही कहना था क्योंकि आज के समय में महिलाएं अपने पति का सम्मान नहीं कर रही हैं उनको नाम लेके बुलाती हैं और उनसे कई बार उल्टे सीधे तरीके से बात करती हैं और यहाँ तक कह देती हैं कि इनको कुछ नहीं मालूम है हमको मालूम है तो ऐसी परिस्थितियाँ देखने में आती हैं जो गलत हैं और जो पुरुष हैं वो अपनी धर्म पत्नी का सम्मान नहीं करते उनको अपशब्द बोलते हैं कभी किसी के सामने कभी किसी के सामने जो अच्छा आचरण अच्छा अच्छा नहीं है इस चीज़ को समझें और बदलें आप देखेंगे इन आदतों में सुधार होते ही आपका जीवन बदल जाएगा और ये जो समस्याएं मैंने आपके बताई हैं ना आपको ये नहीं रहेंगी तो ये बदलाव करके देखें माता रानी की कृपा से आपको लाभ होगा जय माता दी